जिले के कैलारस थाना क्षेत्र अंतर्गत क्वारी नदी के पेड़ा गांव की रपटा की घटना। रपटा पर तेज गति से चल रहा है क्वारी नदी का पानी। नदी किनारे की जमीन को देखने जा रहा था रामप्रसाद जाटव। किनारे पर मां शांति बाई भी थी साथ। मृतक रामप्रसाद जाटव उम्र 48 वर्ष, ग्राम पेड़ा, ग्राम पंचायत सुजानगढ़ी का है निवासी। त्योहार पर इंदौर से आया था माता पिता के पास गांव में। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कैलारस थाना पुलिस। शव को लाया जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की शुरू। भैया आपका जंडल, ये जो खत्म हुए आपके कौन है? भतीजो। कैसे घटना हुई है ये? पता नहीं है का मैं। तो पानी में कैसे गिर गए ये? पानी का ना पता हो मैंने कैसे गिरा, मुझे हिला दो तब मैं तो भजेंगा हूँ। फिर किसने बाहर निकाला इनको? हाँ मैं गया पहले, फिर गया बड़े, तब नौ सौ मैंने बाहर को लाश निकाली। भाई आपका ना शांति है भैया। ये खत्म हुए हैं वो आपके कौन थे? रामा सिंह। आपके कौन है ये? भाई समझ ले। आप इनके साथ थी वहाँ? तो ये कैसे घटना हुई? मैं कह तो रही हूँ भैया के उड़ना उतारे पहले। मैंने भाई मैं गई देखे आऊ, गई बाजार भर रहे है, बाजार भर रहे थे। मैंने कहला मैं गई तो तू चलिए नहा के कपड़ा धर के और मुंडा धरे बेटानी बाहर किसने निकाला जी? बाहर माजी आते जी, जो बज के जी गई है। क्या नाम है इनका? झंडे और वो बड़े रामवीरा को मोड़ा। सर ये नदी में एक डेड बॉडी मिली है, क्या पूरा मामला है? अभी फोन से थाने पे सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति यहाँ पर डूबने से क्वारी नदी के पास पेड़ा गांव में ख़त्म हो गया है। सूचना की तस्दीक हेतु मैं यहाँ पर अपने फोर्स के साथ आया था। अभी देखा तो नदी के किनारे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी जो केवल अंडर वियर में थी। उसकी जांच अभी मेरे द्वारा की जा रही है। उसका अभी अस्पताल कैलारस ले जा रहे हैं जहां उसका पीएम कराया जाएगा। उसके बाद जैसे भी उसे मतलब डॉक्टर साहब द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।